यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमें 1 से 50 के अंदर में जो इवन नंबर है उसको से प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड stdio.h int main। इसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन करली ब्रेसेज क्लोज करली ब्रेसेज। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं int a, ऐसे हम फॉर लूप से बनाते हैं। इसके लिए सिंटैक्स लिखेंगे फॉर ओपन ब्रैकेट, अब इनिशियलाइजेशन करना है a=1। ठीक है, अब क्या करना है, कंडीशन a <unintelligible> 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 अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ए, क्योंकि यहाँ 1 से 50 तक लिखना है इसलिए इंक्रीमेंट करेंगे ए प्लस प्लस। हो गया ये। अब पहले जनरल लिखते हैं 1 to 50 प्रिंट करवाने का। ठीक, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश टी कॉमा ए। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं। हो गया 1 से 50 तक रन। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगा देते हैं, ए मॉडुलस 2 = 0। सॉरी, ए मॉडुलस 2 = 0 = 0। ठीक है, हो गया ये कंडीशन लगा दिए हैं। तो जो प्रिंट करेगा तभी करेगा जब वो 2 से यानी डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं। यहाँ आ गया सारा 2, 4, 6, 8, 10 सारा इवन नंबर है 50 तक। ठीक है,